सबसे पहले जितने भी नव निर्वाचित सदस्य हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं, और आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें कि सभी विधायक जो चुन करके गए हैं उन्होंने शपथ ली है। और आप सब लोगों को पता है कि जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने नतीजे सुनाए थे, फिर भी सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। जनता ने बदलाव के लिए अपना मत दिया था, चुनाव किया था, भ्रष्टाचार को लेकर के चाहे ब्लॉक थानों में हो या मंत्रालय में हो या नीतीश कुमार जी के 60-60 बड़े घोटाले हों, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। आपने देखा होगा कि हम पहले से ही कई बार हम कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार के, और उन्होंने चोर दरवाजे से फिर एक बार सरकार बनाने का जो काम किया वो भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि कैसे उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन सरकार में आने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। 60 बड़े घोटाले 15 साल में जो उन्होंने किया, और हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि भीष्म पितामह भ्रष्टाचार के इसलिए हैं क्योंकि जितने भी गुनहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको संरक्षण देना और बचाव करना ये नीतीश कुमार जी की पुरानी फितरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई मेरी बात पर तो मोहर लग रहा है जब आईएएस अधिकारी लिख कर रहे हैं चिट्ठी। कई अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने जो जांच करता है उन्होंने तो खुले तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी बड़े अपराध या घोटाले हुए हों उनको नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि आईएएस अधिकारी भी अब कहने लगे हैं। सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया जो चर्चित भ्रष्टाचार नियुक्ति घोटाला में जो शामिल रहे हैं उनको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी देने का काम किया। जिस दिन ऑफिस ज्वाइनिंग होती है उस दिन उनका रिजिग्नेशन आता है और फिर एक नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कार्यकाल में खुद भी घोटाले हो रखे हों और जिनकी पत्नी के ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है। हम तो चाहेंगे कि बिहार बदहाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जो लोग खजाने लूटने वाले लोग हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और संरक्षण किया, जांच के नाम पे जीरो। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली, हम तो चाहेंगे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, हर बात पे मुख्यमंत्री का जवाबदेही होना चाहिए। चाहे जो भी घटना है ये फैसले लिए गए, ये मुख्यमंत्री का फैसला था, मंत्रिमंडल का गठन करना, मेवालाल को मंत्री बनाना ये मुख्यमंत्री का फैसला था, तो मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा रहता है ये बिहार की जनता जानना चाहती है। 60-60 घोटाले होने के बाद भी इनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप हैं इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप लोग तो सब लोग जानते हैं, हम लोगों पे सवाल उठाते थे, अंतरात्मा जागती थी, नैतिकता की बात होती थी, गवर्नर हाउस पहुंच जाया करते थे। अब थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची है। जनता ने अपना जनादेश दिया, चोरी से आए तो भी तीसरे नंबर की पार्टी रह कर के रह गए हैं, और अद्भुत है देश में ऐसा कोई पार्टी होगा जो तीसरे नंबर पर जिसका मुख्यमंत्री हो। यानी ये जनादेश साफ तौर पे जो लोग कहा करते थे कि हमारे बलबूते
आए हैं विधानसभा, हम नहीं रहते तो जीतते नहीं, तो अब इसका जवाब जनता ने दे दिया है। तो हम लोग कितना भी कुछ भी षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और लगभग 23% से भी ज़्यादा वोटें, जहाँ बीजेपी को 19% वोटें आईं, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को 23% वोटें आईं। कितना भी ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया हो, षड्यंत्र रचा हो, फिर भी हम लोग जो हैं 75 सीटों पर जीतने का काम किए हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि दर्जनों ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और कई संगीन आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जो बालिका गृह में लिप्त पड़े थे, उनको भी उस वक़्त जो है संरक्षण दिया गया। हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी नीतीश कुमार जी में कोई सुधार नहीं रहा, कोई लोक लज्जा नहीं बची। तो अब जनता जो है वो देख रही है, अब जनता जवाब दे। आप एक बात बताइए, हम मंत्री कब थे, उप मुख्यमंत्री कब थे, 2015 से? क्या मेरा उप मुख्यमंत्री रहते हुए में कोई गंभीर आरोप लगा है? ये तो तब के पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र वाले केसेस हैं, जब मेरा मूछ नहीं था। तो ये तो जग जाहिर है ना। और हमने तो कई बार कहा है, और पिछले ही विधानसभा में पिछले सेशन का जो रहा, हम तो हम पहला व्यक्ति हैं जो कहता रहा कि भाई जल्दी चार्जशीट करो, जल्दी चार्जशीट करो। तो हम तो लगातार कहते रहे और मामला को डाइल्यूट करना, जो ईमानदारी से जनता के सवाल को उठा रहा है, जो जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये तो चाहते हैं ऐसे लोगों को बदनाम करना। और ये तो इनकी पॉलिसी रही है, पॉलिसी नहीं बल्कि वर्किंग स्टाइल रहा है कि भाई लोगों के मन में एक गलत परसेप्शन, एक धारणा पैदा की जाए। लेकिन आप बताइए ना, हमारे खिलाफ़ तो किसी IAS अधिकारी ने नहीं बोला। हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री को, भैया हम 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, 3-3 डिपार्टमेंट रहा, एक आरोप सिद्ध कर दो। सुशील मोदी जी कहाँ रह गए, क्यों नहीं सिद्ध कर पाए? तो उनको बयानबाजी के लिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दें, वो सब जानते हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी बिहार के मुख्यमंत्री की, उनकी जवाबदेही है कि नहीं है जनता के प्रति? जोर ज़बरदस्ती जैसे तैसे जो भी बने हों, अब लेकिन बन गए हैं तो जवाब तो देना उनका फ़र्ज़ बनता है। और ये तो अद्भुत है, आज हमारा शपथ है, शपथ से पहले इस्तीफा मांग रहे थे। देश में पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? पहली विकेट आपने गिरा दी है इस सरकार की, और आगे कितनी विकेट गिराएंगे? देखिए, हमने सरकार चोर दरवाजे से आई है, पुराना इतिहास भी चोर दरवाजे का है, इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया, इसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोजगार बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हम NDA गवर्नमेंट को, BJP के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए, तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1.24 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। भले ही जनता का जो जनादेश है, जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकता। हमारी लड़ाई है, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हम पक्ष में रहते, तो हमने तो समय सीमा बताई थी कि हम पहले कलम से, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में
हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने ना तो तारीख बताई ना तो समय बताया। अब जनता इंतज़ार नहीं करेगी। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है और एक महीने के अंदर अगर 19 लाख रोजगार अगर इन लोगों ने नहीं दिए तो जनता के साथ जन आंदोलन, हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे।